नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज़। खबर कटिहार से। संविधान बचाओ मोर्चा के बैनर तले CAA और NRC बिल के विरोध में एक विशाल रैली कटिहार के DS कॉलेज से निकलकर समाहरणालय तक गई। इस विशाल जुलूस में अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, पिछड़ा सहित सभी समुदाय के लोग शामिल हुए। इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संविधान बचाओ मोर्चा के लोगों ने बताया कि सरकार जबरन लोगों पर इस बिल को थोपना चाहती है और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है और अनुचित है। हम सब उस बिल को खारिज करते हैं। इस जुलूस में शामिल लोगों ने यह कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देकर गलत सलत बिल लाकर अल्पसंख्यकों को बांटने का काम कर रही है। यह सरकार के लिए एक चेतावनी हम सबों की ओर से है। विशाल रैली पूरे मुल्क के हालात को देखते हुए NRC और CAA के खिलाफ हम लोगों ने संविधान बचाओ मोर्चा के बैनर तले सेकुलर मूल निवासी की मदद से पूरी निकाली है। इसका मेन मकसद हमारा ये था, जब हमारे बाप दादाओं ने देश को आज़ाद कराया इसलिए कि हमारे बाल बच्चे इस देश का सुख सुविधा भोग सकें, लेकिन कुछ विदेशी ताकत हमें ही विदेशी बनाने की कोशिश में है और विदेशी को देसी बनाना चाहते हैं और देसी को विदेशी बनाना चाहते हैं। हमारा अपना मानना है कि देसी और विदेशी का फ़र्क DNA टेस्ट के जरिए पता लगाना चाहिए। ये कोई मामला नहीं है, ये मुल्क हमारा है, फौज हमारी बैठी है बॉर्डर पर। उस पर सवाल है कि BSF के रहते इतने लोग देश में कैसे घुस गए, ये BSF का अपमान है, हमारे फौज का अपमान है, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के संविधान का अपमान है। हम लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो 50 साल से 100 साल से इस मिट्टी पे खेती कर रहे हैं, इस पे अपना खून दे रहे हैं, उनसे ही पूछा जा रहा है कि भाई आप कौन हो। जिनको हमने MP MLA और प्राइम मिनिस्टर बनाया वो कहते हैं कि आप कौन हो, जब हम कोई नहीं तो आप सरकार कैसा, आप MP कैसे, MLA कैसे। आप सभी प्रेस के साथियों को भी मालूम है भारतीय संविधान के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है, NRC और CAP को जो लाया है, जिसके विरोध में पूरे देश व्यापी है धरना प्रदर्शन मौन जुलूस चल रहा है, उसी के तहत हम लोगों ने कटिहार जिले का आज ये सभा आयोजित किया है, जिसमें आपको मालूम होगा सुख तुलसी कॉलेज से समाहरणालय तक लाखों की संख्या में लोग हैं। एक विरोध दर्ज है, ये हम संवैधानिक ढांचे के तहत हम एक अपना विरोध दर्ज करते हैं ताकि मेरी आवाज़ सरकार तक जाए और सरकार इस बात को समझे जो देश में जो आपने कानून बनाया है ये देश की जनता के खिलाफ है। और इस मोर्चा में आपको मालूम होगा मूल निवासी, भीम आर्मी, सारे लोगों का अपार समर्थन है। अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा, आदिवासी, इन लोगों का अपार हुजूम आया हुआ है, आपने इसको देखा है।